हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टाटा सेक्टर के स्टॉक के बारे में, टाटा ग्रुप के एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है TTML। सो गाइस, TTML के बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्या कुछ हो सकता है और कल ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है इसमें काफ़ी कुछ पॉजिटिव हमें नज़र आ रहा है और स्टॉक बढ़ सकता है। तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है, और टाटा का स्टॉक है तो आगे जाएगा ही। और टाटा के अगर स्टॉक देखे जाए, काफ़ी कुछ स्टॉक्स हमने देखे हैं जीरो से वो अपसाइड की ओर गए हैं। जैसे आप टाटा मोटर्स देख लो, टाटा मोटर्स भी काफ़ी डाउन साइड चल रहा था बट वो बड़ा। फिर टाटा पावर ही देख लो, टाटा पावर भी हमें बैक टू बैक उसमें अब बढ़त देखने को मिल रही है काफ़ी दिनों से। और पिछला उसका अगर रिकॉर्ड देखे जाए, पिछले अगर रिकॉर्ड्स देखे जाए तो काफ़ी स्टॉक नीचे थे, ये स्टॉक काफ़ी नीचे थे और अभी अपसाइड की ओर ट्रेंड कर रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है स्टॉक्स में। तो गाइस, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहा हूँ फॉर शेयर्स के अपडेट्स के लिए, शेयर्स के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर देखें जो TTML है वो काफ़ी डाउन साइड की ओर हमें आता हुआ नज़र आ रहा है, और वही अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, यहाँ से इसमें बैक टू बैक गिरावट आई और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जा रहा है। तो सपोर्ट इसने काफ़ी नीचे के लेवल पे लिया है गाइस, लगभग 34 रुपये 30 पैसे के लेवल तक आ गया था, काफ़ी नीचे तक आ गया था बट सपोर्ट इसने ले लिया है और यहाँ से ये अब ट्रेंड की ओर जा सकता है। क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेते ही स्टॉक बैक टू बैक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखना होगा क्या कुछ होता है। और वही गाइस, अगर बात कर ले इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप भी आप देख सकते हो, मार्केट कैप है इसका, आप देख सकते हो स्क्रीन पर 6,810,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है स्टॉक के लिए भी, हमारे लिए भी काफ़ी, क्यों मिड कैप शेयर की कैटेगरी में आ जाता है। वही अगर बात करें इसमें रेजिस्टेंस लेवल की, तो रेजिस्टेंस लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है किसी भी स्टॉक के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर इसके फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा लगभग अब 35 रुपये 83 पैसे के आसपास है, 35 रुपये 83 पैसे के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल है। वही सेकंड रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करूँ तो 36 रुपये 57 पैसे का है। वही अगर थर्ड रेजिस्टेंस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 37 रुपये 33 पैसे के आसपास है। वही गाइस, वही अगर देखा जाए यहाँ पर सपोर्ट लेवल, तो सपोर्ट लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं स्टॉक के लिए। तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल अगर देखें तो 34 रुपये 33 पैसे के आसपास का है। वही अगर सेकंड सपोर्ट लेवल की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग 33 रुपये 57 पैसे हैं, और थर्ड सपोर्ट लेवल भी देखें तो 32 रुपये 83 पैसे हैं। तो यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, उनके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो मार्केट TTML ऊपर की ओर ही बढ़ने वाला है। और वही अगर देखें प्राइस परफॉर्मेंस, तो प्राइस परफॉर्मेंस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और अगर देखा जाए 1 वीक का एवरेज, तो यहाँ पर 5.52% के आसपास नीचे जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। वही अगर देखा जाए 1 मंथ का, तो 1 मंथ का भी हम देख लेते हैं क्या कुछ 1 मंथ का हमें देखने को मिल रहा है, तो 3.70% के आसपास है 1 मंथ का। और थ्री मंथ्स का देखा जाए तो 3 मंथ्स का भी हम देख लेते हैं, तो लगभग -4.62% के आसपास हमें नज़र आ रहा है, और जो कि अच्छी बात है स्टॉक के लिए। और काफ़ी, क्यों मैं अच्छी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिव रहा है पिछले कुछ सालों में, तो अभी ये नीचे की ओर आ रहा है तो हमें अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है स्टॉक में बाइंग करने के लिए, अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है स्टॉक में बाइंग करने के लिए। और आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइस अगर देखा जाए इसका पिछला रिकॉर्ड प्राइस परफॉर्मेंस, अगर इसका पिछला देखा जाए तो 1 ईयर का अगर देखें तो आप देख सकते हो 1,153.57% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग 1,153% तक ऊपर की ओर प्राइस परफॉर्मेंस था इसका। वही अगर देखें तीन साल का अगर देखा जाए तो 725.88% के आसपास है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक में। तो यही बात है कि मैं इतना स्टॉक में इतना श्योर क्यों हूँ और मेरा ओपिनियन क्यों है कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है, तो यही रीजंस है, क्योंकि इसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है तो आगे भी ये अच्छे परफॉर्मेंस देगा ही देगा। और गाइस, वही अगर बात करें इसमें क्या कुछ ट्रेड वैल्यू रही है, तो ट्रेड वैल्यू भी हम देखें
तो बात करें अगर कल अगर बात करूँ मैं फ्राइडे के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग अब 4 लाख के समथिंग का इसमें ट्रेड वैल्यू हमें देखने को मिल रहा था। वही अगर बात करें इसमें कॉम्बिनेंट डिलीवरी की तो वो भी 4 लाख ही है, और वही देखा जाए स्टडे का तो 14 लाख के समथिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और 14 लाख के समथिंग ही यहाँ पर कॉम्बिनेंट डिलीवरी। तो कॉम्बिनेंट डिलीवरी काफ़ी सिमिलर हमें देखने को मिल रही है। और वही अगर देखा जाए कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के हिसाब से, अगर देखा जाए कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के हिसाब से क्या कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी कि जो बायर्स और सेलर्स हैं इन दोनों में काफ़ी टक्कर चल रही है। क्योंकि आप देख सकते हो जो 64% तक लोग हैं, 60% तक लोग हैं वो इसमें बाइंग की ओर बढ़ रहे हैं, बाइंग करने के लिए कह रहे हैं, और आप बाइंग की ओर जा सकते हो इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आप बिल्कुल इसे बाय कर सकते हो। और कल शायद ये स्टॉक बढ़ने वाला है। और वही अगर देखा जाए तो 36% तक की सेलिंग है, 36% तक की सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, सेलर्स यहाँ पर एक्टिव है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है सिनारियो कि 64% लोगों का अगर कहना है तो स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और काफ़ी कुछ बाइंग भी इसमें हो रही है, काफ़ी लोअर प्राइस पे आ गया है तो लो प्राइस पे काफ़ी स्टॉक उठाए जाएंगे। बट यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ ये बनती है गाइस क्योंकि इसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो 2017 की बात करो तो 2721 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू स्टॉक ने जनरेट किया था। वही 2018 में देखें तो 1878 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, 2019 में 1277 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, वही 2020 में अगर देखा जाए तो 1077 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ, वही 2021 में 1043 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यूज़ में भी काफ़ी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, बट अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, और 2021 अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है गाइस, तो ये ऊपर जाने की कोशिश बिल्कुल करेगा ही करेगा। तो वही गाइस अगर बात करें, यहाँ पर हमने बात कर ली रेवेन्यू की, तो उसके बाद होता है एक नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट भी हम देख लेते हैं गाइस, क्योंकि 2017 में नेट प्रॉफिट में काफ़ी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है। 2017 में -2356 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट नेट प्रॉफिट माइनस में था। वही 2018 में काफ़ी हद तक गिर गया था, लगभग 9841 करोड़ के आसपास। वही अगर देखें 2019 की मैं बात करूं तो 2019 में -667 करोड़ के आसपास है, और वही 2020 में देखा जाए तो -3714 के आसपास था। और यहां पर अगर देखा जाए तो 2021 में देखें तो -1996 करोड़। तो पिछले कई सालों से बैक टू बैक नीचे जाता हुआ दिख रहा है, और नेट प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके कारण से स्टॉक में हम थोड़ा बहुत नेगेटिव यहाँ पर चीज़ें होती हैं, बट ये कभी भी बढ़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर मेन फैक्टर ये है गाइस कि इसके पीछे नाम है टाटा का। टाटा जब तक है तब तक ये उस पर ही जाने वाला है। जब मैं होल्डिंग्स बताऊँगा तो आपको इस पर ट्रस्ट होने लग जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो 74% तक की होल्डिंग जो है, 74% की जो होल्डिंग है वो है इसमें प्रमोटर्स की। वही अगर देखा जाए पब्लिक होल्डिंग तो 25.62% के आसपास होल्डिंग है यहाँ पर पब्लिक की। तो पब्लिक और जो होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो काफ़ी अच्छी है, और आगे भी ये बढ़ेंगी। और वही अगर टॉप होल्डिंग्स में देखें तो टॉप होल्डिंग्स में आपको पता चल जाएगा, लगभग यहाँ पर आप देखो तो 48.30% की होल्डिंग है यहाँ पर टाटा टेली सर्विस लिमिटेड की। टाटा टेली सर्विस लिमिटेड की दिख जाएगी आपको 48.30%। वही अगर देखा जाए टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की तो यहाँ पर 19.58% के आसपास है। वही द टाटा पावर कंपनी की देखें, टाटा पावर की कंपनी की भी आपको दिख जाएगी लगभग 6.48% के आसपास। तो होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, टाटा की होल्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और गैस अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल एक अच्छा शेयर है, एक काफ़ी श्योर है इसमें कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी तगड़े रिटर्न है देगा। सो गाइस वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।